हाँ तो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.1 का, जो कि प्रत्येक वर्ष 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछता है, किसी बहुपद में पीएक्स के लिए वाई बराबर पीएक्स का ग्राफ नीचे दिया है। प्रत्येक स्थिति में पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें का जगह क्या लिख भी सकता कि शून्यकों की संख्या लिखिए, है ना। प्रश्न ऐसा रहता है, एक ग्राफ दिया रहेगा एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो हमको किस अक्ष में देखना है, एक्स अक्ष में, कि एक्स अक्ष में कितना बिंदु पर कट रहा है। इस ग्राफ में क्या एक्स अक्ष में कटा है कभी बार नहीं, यदि कटा हुआ नहीं रहता है तो क्या लिखना है, कोई शून्य नहीं है, कोई शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। अब दूसरा ग्राफ में क्या है, एक्स अक्ष में देखिए कितना बार कटा है, एक बार, एक्स अक्ष ही है, एक्स अक्ष में एक बार कटा है, तो यहाँ शून्य को की संख्या कितना लिखना है, एक, शून्य को की संख्या, शून्य को की संख्या एक, संख्या बराबर एक, क्योंकि क्योंकि एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, है ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, देखिए एक्स अक्ष में एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, इसको नहीं गिनना है दोस्तों, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। लाइन जिसमें ग्राफ कटता है उसी को गिनना है, एक्स अक्ष में एक बिंदु पर कट रहा है, दो बिंदु, तीसरा बिंदु, तो शून्यकों की संख्या कितना लिखेंगे, तीन, शून्यकों की संख्या बराबर तीन, इतना ही लिख देना है। अब चौथा ग्राफ में देखना है ना, एक्स अक्ष, देखिए एक्स अक्ष में कितना बिंदु पर कट रहा है, एक बिंदु, दो बिंदु, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, दो, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर दो। इसमें कितना बिंदु पर कट रहा है, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, तो शून्यकों की संख्या कितना लिखना है, चार, एक्स अक्ष में चार बिंदु पर कट रहा है, तो शून्यकों की संख्या बराबर चार लिख देना है, शून्यकों की संख्या बराबर चार। इसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन में बहुत बच्चा क्या हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं, है ना, तो गड़बड़ी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत कुछ दो गिन देते हैं, है ना, तो यह दो कब होगा, जब यहाँ से यहाँ पार हो जाएगा तब, देखिए यही लाइन में ही दिख रहा है, मतलब एक गिनना है, लाइन से नीचे आएगा तब दो गिना जाता है, तो यहाँ कितना होगा, एक, दो, तीन, तो शून्य को की संख्या बराबर कितना लिखना है, तीन, शून्यकों की संख्या बराबर तीन। हाँ तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।